हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप म्यूज़िक बना सकते हैं, चाहे फिर आप कवर सॉन्ग गाएं, चाहे फिर आप रैप करें। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी अच्छा रैप करते हैं, लेकिन म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। और अगर आप घर पर भी म्यूज़िक बनाना चाहते हैं तो आपको उसका कोर्स करना पड़ता है, साउंड इंजीनियरिंग करनी पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोचा आप लोग को देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक फ्री स्टाइल रैप बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, तो वो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोग को बताऊँगा। तो देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसी है और म्यूजिक कैसे बनता है। तो आपको इस ऐप को थोड़ा सा टाइम देना होगा समझने के लिए, ताकि आप और भी अच्छा म्यूजिक बना पाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, ये एक लूप पे चलते हैं, ये गिटार का लूप इसमें दिया हुआ है, क्लैप है, हैट है, और भी बहुत सारे ड्रम हैं, तो बहुत सारी किट यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर देखिए पैटर्न बना हुआ है, तो वहाँ पे पैटर्न बनता है, जो जो यहाँ पे आप दबाते रहेंगे वो ऊपर पे पैटर्न बनेगा, उस हिसाब से आपका म्यूज़िक जो है उतना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आप इनको बटन दबा सकते हैं। तो मैंने भी एक जो है म्यूज़िक बनाया इसी एप्लीकेशन से, तो मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन जब मैंने वैसा म्यूज़िक बना दिया तो आप भी डेफिनेटली उससे अच्छा बना सकते हो, तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके कुछ फंक्शन। तो यहाँ पे आप ऊपर पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न बनता है और नीचे रिवर्ब और काफ़ी सारे जो इफेक्ट हैं वो आप अपने म्यूज़िक पे जोड़ सकते हैं। रिवर्ब हो गया और भी इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। नीचे ग्राफ बना हुआ है, ये तो एक बजाने के लिए है कि इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, गिटार का लूप है, पियानो का लूप है, और ऊपर जो है एक वॉइस का लूप है जो कि जहाँ पर माइक्रोफोन बना हुआ है। तो अलग अलग लूप दिए हैं और ए और बी सेक्शन बना हुआ है, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने जो म्यूज़िक पे डिले जोड़ सकते हैं, रिवर्ब जोड़ सकते हैं, ये सारे इफेक्ट होते हैं जो एक म्यूज़िक में जोड़े जाते हैं म्यूज़िक को मॉडिफाई करने के लिए, म्यूज़िक को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, सुनने लायक बनाने के लिए। क्योंकि कान में ज़्यादा हार्ड म्यूज़िक रहेगा तो चुभेगा। तो ये एक BPM है, मतलब कि यहाँ पर बीट पर मिनट, तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते, मतलब कि कितने बीट कितने हिसाब से चलें। तो अगर आप म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि BPM क्या होता है। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आप रिकॉर्डिंग का बटन शुरू हो गया है, जो भी आप यहाँ पर बनाएंगे वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन कई सारे मिलते हैं, फिल्ट्रेशन का मिलता है, यहाँ से आप सेव करके साउंड क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं या फिर आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कई सारे पैक्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आप इनको अलग अलग म्यूज़िक को सुन सकते हैं, चाहे फिर वो EDM हो, हिप हॉप हो, हाउस बीट्स हो, तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको म्यूज़िक मिलेंगे जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके सुन सकते हो, और उस टाइप का भी म्यूज़िक आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया, आपको इस म्यूज़िक को, मतलब कि इस एप्लीकेशन को थोड़ा टाइम देना होगा समझने के लिए, तो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक आप इससे ताकि बना पाओगे। तो मैंने अब म्यूज़िक बनाया है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके का म्यूज़िक इससे बनता है। तो इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।